हेलो बच्चों, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज हम फिर से मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स और जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 है ये, एक्सरसाइज 2। क्या नाम बेटा? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। देखो, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको एक छोटी सी, ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं, इसमें शॉर्ट में अपन लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो, बहुत जल्दी समझ जाओगे इससे कि सर कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे मान के चलिए, एक हमने लिया बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारा आता है जैसे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और थर्ड नंबर पे हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस यही है अपने 10th में। और यदि हमको अच्छे से ये चीज थोड़ा सा समझ में आ गई ना, तो हमको क्वेश्चन करने से मतलब है, क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल हैज, ए पॉलिनोमियल हैज, हैव डिग्री 1। डिग्री का मतलब होता है बेटा जिसकी पावर 1 है उसका लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे उसको, और जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री यदि हमारी 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री हमारी कितनी बेटा, 3। 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स प्लस 2। ये क्या है? एग्जाम्पल है, एक्स प्लस 2 है। तो यहां पर एक्स की पावर कितनी बेटा, 1 है। जैसे मैंने लिखा वाई प्लस 3, तो इसकी भी पावर कितनी वाई की, यहां पर ये जिसकी पावर 1 है उसकी डिग्री कितनी रहेगी बेटा, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। जैसे मैंने लिखा एक और 6y स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहां पर वेरिएबल को नहीं देखना, देखो एक्स और वाई क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और जबकि जो हमारे अंकगणित नंबर है वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स। अब इसमें देखें अपन, तो एक्स की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी बेटा इस वाले में, ये 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। यदि इस वाले में देखें तो वाई की पावर कितनी जा रही है हाईएस्ट, 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री 2 की वजह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, बस ये देख लेना आप। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, कोई भी टर्म्स हो सकती है आपकी अल्फाबेटिकल, यदि उनकी पावर डिग्री 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है, यदि लीनियर क्या है बेटा जिसकी डिग्री कितनी आ रही हो, 1, और क्यूबिक क्या है जिसकी डिग्री 3। मतलब कोई भी वेरिएबल जिसकी डिग्री कितनी आए, 3, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 आए, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 10, एक ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने दे दिया 9 वाई क्यूब प्लस 6 वाई, ये दे दिया। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3, तो डिग्री कितनी कहलाएगी, 3। तो पॉलिनोमियल को सिंपली इतना समझना है, जो भी एक्स वाई की टर्म्स में हमको कोई भी इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन में सबसे पहले ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है। यदि हाईएस्ट पावर 1 आ रही है तो बेटा डिग्री 1 कहलाएगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि किसी समीकरण में बेटा आपको एक्स दे रखा, वाई दे रखा है, जेड दे रखा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और उसी प्रकार जिस क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, जिसकी डिग्री 3 है, तो हाईएस्ट पावर जिसकी 3 आ रही, कोई सा भी समीकरण हो, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ जीरोज, कंसेप्ट ऑफ जीरोज। एक सर ये टॉपिक और आता है, जीरोज क्या होता है? देखो जीरोज कुछ भी नहीं है, आपने नॉर्मली छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, कोई फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, मान के चलो ये। अब हमने इसके फैक्टर्स करे, जैसे भाई 12 को लाना मल्टीप्लाई करने पर, और जबकि जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 4 और 3 आ गया है ना, एक तो 4 आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार से, तो इस तरीके से हम फैक्टर लें, तो एक तो बन गया सर x प्लस 4 का, और एक बन गया x प्लस 3 का। मैं बेसिकली बता रहा हूं, मैं समझाऊंगा कैसे आया, लेकिन जैसे सपोज करो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4, एक x की, और एक आ गई बेटा x की माइनस 3। जो ये x की जो वैल्यू आई है, एक तो एक आई है, एक ये दूसरी आई है, ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या कहलाएंगी, जीरोज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? x की जो भी वैल्यू है,
एक्स की वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोस। तो इसका मतलब तो ये हो गया सर कि कोई भी यदि हम ग्राफ को भी देखें, ग्राफ देखें जैसे नॉर्मली कोई ग्राफ ले रखा है, ऐसे पैराबोलिक कोई ग्राफ ले रखा है, तो बेटा यहां पर कोई हमसे पूछे जीरोज कितने, तो आपको पता है एक तो एक्स पॉइंट पे कट कर रहा है ये, क्योंकि आपने पढ़ा है ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो ये एक्स पॉइंट को कट कर रहा है और ये कौन से पॉइंट को कट कर रहा है, ये भी एक्स को कट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जीरोज कितने हो गए, इस एक्सिस पे टू जीरोज हो गए। तो इस प्रकार से कंसेप्ट ऑफ जीरोज का मतलब ये होता है जो फैक्टर्स की वैल्यू होती है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जीरोज कहलाती है सिंपल भाषा में। इसको हिंदी में शून्यांक भी बोलते हैं। देखो 2.1 की एक्सरसाइज 2.1 में दे रखा है जैसे क्वेश्चन नंबर फाइंड जीरोज करना है, तो आपको पहला डायग्राम दे रखा है, ये अपनी x एक्सिस होगी बेटा, ये अपनी y एक्सिस हो गई, और ये एक तो ये दे रखा है, दूसरा ये आपका फिर से y, ये x, अब देखिए जैसे एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमको ये क्वेश्चन दे रखे, बाकी आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं काफी क्वेश्चन से, मैं आपको सिंपली वे में बताता हूँ जीरो फाइंड करने के। बेटा यहाँ पर ये देखो आपको एक्स एक्सिस गिवन है, इस एक्स एक्सिस पे यदि ये लाइन कट हो रही है क्या, नहीं हो रही सर, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर टच नहीं कर रहा, तो आपके यहाँ पर जीरोज क्या हो गए, जीरो। यहाँ पर बेटा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है लाइन, एक बार, तो जीरोज कितने हो गए आपके, एक, मतलब एक्स की वैल्यू एक है यहाँ पर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कोई है ही नहीं इसलिए यहाँ पर जीरो कर दिया। यहां पर x चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, एक बार तो यहां कट कर रहा है, एक बार यहां पर कट कर रहा है बेटा, एक बार यहां पे कट कर रहा है, तो जीरोज कितने हो गए हमारे, थ्री। यहां पर देखे बेटा तो यहां पर एक बार तो यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, टच कर रहा है मतलब, और एक बार यहां, एक दो तीन, तो यहां पर जीरोज कितने हो गए आपके, थ्री। तो आप कोई सा भी डायग्राम हो, जैसे आपको सपोज करो एक डायग्राम आपको दे दिया जैसे इस तरीके का पैराबोलिक, ये इस तरीके का कोई डायग्राम होगा, तो बेटे यहां पर एक बार तो x की वैल्यू ये कट हो रही है, एक बार ये वैल्यू कट हो रही है, तो यहां पर फिर से जीरोज क्या आ जाएंगे आपके, टू। देखिए ये तो देखो फिर से एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, आपको जब जीरोज फाइंड आउट करने, तो सबसे पहले ये देखना है जीरोज फाइंड आउट करने के लिए कि एक्स एक्सिस पे कोई हमारा ग्राफ जो है वो टच हो रहा है, टच होने का मतलब है कि यदि कोई ग्राफ टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब है कि उस पर एक्स की वैल्यूज है, एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर कोई भी ग्राफ है एक्स की वैल्यू टच नहीं कर रही, तो यहां पर जीरो जीरो हो गए, यहां पर टच कर रही है तो एक वैल्यू हो गई, तो जीरो एक हो गया। यहां पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी बार टच कर रही, वन टू थ्री, तो जीरो कितने हो गए बेटा, थ्री। यहां पर वन टू थ्री, तो ये भी जीरो होगी थ्री, इसमें दो बार टच कर रही, तो जीरो क्या हो गए, टू। तो इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो फाइंड आउट करना होता है, देखना होता है बस एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2 देखते हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 2.2। देखो 2.2 का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट समझिए जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली आपने सभी ने पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या करेंगे देखो, सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन फॉर्मूला आता है हमारा सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज देखो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक तो सम ऑफ जीरोज निकालने, जीरोज का सम ऑफ जीरोज का मतलब जैसे हमने अभी देखा जीरोज हम किसको मानते हैं बेटा, x की दो वैल्यू, x की एक तो ये कुछ वैल्यू होगी, एक और कुछ वैल्यू होगी x की,
तो एक वैल्यू को बेटा मैंने मान लिया अल्फा, दूसरी वैल्यू को क्या मान लिया बीटा। तो ये मैं ये भी लिख सकता हूँ कि दो जीरोस के सम की बात करा तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू मैं कहां से लिख सकता हूँ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बी, तो माइनस का बी, क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूले में माइनस है, बस एक्स का कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स के आगे जो भी संख्या होती है उसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब है एक्स स्क्वायर का कौन सी संख्या आ रही बेटा ए, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप डायरेक्ट भी इसको यहां से भी याद रख सकते हो कि हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए देखें अपन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारा अल्फा डॉट बीटा, ये किसके बराबर होगा बेटा, कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें, जो अचर पद होता है मतलब जो मैथमेटिकल संख्या होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा बेटा सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, फिर से कौन है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ए, तो यहां पर इसका ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बन गया। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बेटा आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का 8। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सबसे पहले जीरो निकालने और उस पर रिलेशनशिप चेक करनी है। तो मैं आपको पहले एक चीज बताऊं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले टॉपिक में देखा अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो जो किसके बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है सी अपॉन ए, और ये कहां से बन के आया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो सबसे पहले इसको देखते हैं किस प्रकार से हमारा ये कोई फैक्टर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 2। तो बेटा यहाँ पर सबसे हाई डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बिकॉज इट हैज डिग्री 2। मैंने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको समझा दी। इसके बाद देखिए, जब अपन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8 दे रखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को देखो, लास्ट वाला नंबर ये यहाँ पर 8 है और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है। तो अपन एक चीज देखते हैं, 8 को इस प्रकार तोड़ो कि गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है माइनस का 2। तो सपोज कीजिए जैसे मैंने 2 4 8 करा, तो 2 4 8 तो आ गया आसानी से, लेकिन माइनस 2 कब आ सकता है बेटा, जब माइनस की संख्या बड़ी हो प्लस की छोटी हो। तो माइनस 4 में प्लस 2 घटाएंगे तो माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x, इसको तोड़ दिया इस प्रकार से और माइनस 8 का माइनस 8, ठीक है, बराबर में चाहो तो 0 लिख लो क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां से अपन क्या ले लेंगे बेटा, एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस के 4, दोनों में क्या आ रहे हैं x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया x कॉमा x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया अपन ने, तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। जब आपके ये दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं, जब आपके ये दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं तब तक आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। इसके बाद x माइनस 4 इन दोनों में से एक फैक्टर ले लिया और दूसरा x प्लस 2 वाला बराबर 0। यहां पर x की मान देखें अपन, x की वैल्यू, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया 4। इधर x प्लस 2 बराबर कितना है बेटा 0 के बराबर रखेंगे इस फैक्टर को, पहले इस फैक्टर को रखा 0 के बराबर, एक इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब ये दोनों जो वैल्यूज आई एक तरीके से क्या आ गई, हमारे जीरोज है, क्या है ये जीरोज, जीरोज आ गए। तो अल्फा बीटा मान लेंगे इनको, अब अपन को चेक करना है वेरीफाई रिलेशनशिप, क्योंकि वेरीफाई रिलेशनशिप तो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस के एक्स एट, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। हम इसको वैल्यू से कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, क्यों सर, क्योंकि ये हमारी कौन सी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आगे देखिए, यहां पर a बराबर कितना दे रखा कोफिशिएंट, यहां पर 1, b बराबर कितना दे रखा कोफिशिएंट माइनस के 2, और इसका कोफिशिएंट c बराबर कितना बेटा माइनस का 8।
देखो गाइज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए है और एक्स का कॉफिशियंट मतलब बी कौन है, एक्स का कॉफिशियंट कितना है माइनस टू और सी की कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है माइनस के एट। अब देखो ए की बी की सी की वैल्यू, अब देखो यहां से एल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपका सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस ऑलरेडी है माइनस का टू और अपॉन ए कितना है वन, तो कितना आ जाएगा टू, माइनस से माइनस कट गया। इधर एल्फा इंटू बीटा देखे तो सी अपॉन ए, तो सी कितना है इसमें माइनस का आठ और ए कितना है एक, तो कितना आ गया बेटा माइनस के आठ। अब देखो देखो गाइस क्या है, दो जीरोस है हमारे पास फोर और टू, यदि ये दोनों जीरोस का सम करते हैं चार में से दो घटाएंगे दो बचेगा क्या दो आ रहा है सम, सही है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है अल्फा बीटा माइनस के एट, तो चार दूनी माइनस के आठ और इधर हमने जब चेक किया इस वाले फॉर्मूले तो भी है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए बेटा चेक हो गए। तो ये इसका आधा पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये तो सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने, तो कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। सबसे पहले अपन एक बार और जल्दी से समझते हैं, हमने क्या किया इसका फैक्टर किया एट का, कितने में ब्रेक हुआ फैक्टर इसका टू और फोर में, फिर हमने इसको जीरो के बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इस माइनस टू एक्स को हमने ब्रेक किया बेटा किसमें माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स में, क्यों, क्योंकि एट देखो एट एट वन जे एट भी हो सकता है, आप जो सोच रहे हो कि सर एट और वन को एट और वन क्यों नहीं लिया, एट वन जे एट भी तो हो रहा है लेकिन एट में से वन घटाए तो सेवन नहीं आ रहा, एट में वन जोड़े नाइन तो भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने टू फोर जा एट या फोर टू जा एट। तो यहां पर अपन देखें तो इसमें से अपन ने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, जब ये दोनों फैक्टर सेम आ गए तब एक फैक्टर इन दोनों का एक फैक्टर ये ले लिया, दूसरा फैक्टर कौन सा ले लिया ये वाला एक्स प्लस टू, फिर यहां पर इनको एक एक को जीरो के बराबर कर दिया, तो वेरीफाई रिलेशनशिप ये क्या कहलाएगा आपका सम ऑफ जीरोस, और ये कहलाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं, फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अब देखो सर इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले तो फैक्टर्स करने होते हैं, फैक्टर देखो जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है ये शुरुआत का टर्म जो यदि इसके आगे 4 आ रहा है बेटा तो 4 को यहां मल्टीप्लाई कर लो थोड़ी देर, 4 को 1 से कर लो, पिछले वाले में इसलिए नहीं किया था बेटा अपने पिछले वाले क्वेश्चन में क्योंकि वहां पर कोई नहीं था उसका कॉफिशिएंट 1 था, तो यदि मल्टीप्लाई करते तो भी कोई चेंज नहीं आता वो वैल्यू इतनी कहलाती, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा और कोई संख्या आ गई तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से कितना आ जाएगा 4। अब 4 को ब्रेक करें हम दो भागों में, इस प्रकार से ब्रेक करना है कि हमारा कितना आना चाहिए माइनस 4, तो मैंने क्या ले लिया बेटा 2 2 जा 4, क्यों 4 1 जा 4 क्यों नहीं ले सकता मैं, देखो 4 1 जा 4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 4 1 5 नहीं आ रहा, 4 में 1 गया 3 ये भी नहीं आ रहा, लेकिन 2 2 जा 4 में क्या खास बात है, यदि ये दोनों माइनस टू ले लू तो माइनस के 4 बन जाएंगे, तो माइनस के 2 ले लिए। आगे देखो 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन होगी, इसको ऐसे कैसे रखेंगे सिर्फ इसको तोड़ना होता है, तो माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक तो s आ रहा है कॉमन, एक 4 में 4 और 2 में से क्या आ रहा है 2, तो 2s कॉमन लेंगे तो 2 का डिवाइड 4 में करेंगे 2 टाइम्स और s का डिवाइड s स्क्वायर में करेंगे 1s बच जाएगा, माइनस 2s पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच गया, अंदर सेम टू सेम ऐसा कैसा पार्ट लाना है तो क्या करें बेटा माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें माइनस का भाग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2s और ये माइनस का भाग इधर में लगेगा तो माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया तो अपन 1 लिख सकते हैं क्योंकि कोई कॉमन कुछ नहीं लिया तो 1 तो होगा, और हमसे दोनों फैक्टर सेम आ गए हमारे तो हम क्या करेंगे 2s माइनस का 1 और दूसरा फैक्टर 2s माइनस का 1 बराबर 0। अब एक एक फैक्टर को ले लो अलग से तो 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आ गया बेटा 1 और s बराबर कितना आ गया 1/2, ये वाला फैक्टर को देखें तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आ गया 1, तो s बराबर कितना आ गया 1/2, तो आपके पास दो जीरोज आ गए, ये क्या आ गए बेटा जीरोज, क्या आ गए जीरोज। आगे देखो वेरीफाई करेंगे अपन, ठीक है ये यहां से, ठीक है इसके आगे क्या पार्ट, यहां से वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई रिलेशनशिप, ठीक है आगे देखिए वेरीफाई रिलेशनशिप में सबसे पहले सम ऑफ जीरोज में देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, कैसे पता लगा सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से याद रखना बराबर जीरो, और इसकी इक्वेशन क्या है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1
बराबर जीरो। तो बेटा यहाँ पे इसको तुलना इससे कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, माइनस का बी। तो माइनस का बी, तो पहले मैंने माइनस फोर है तो माइनस, और फिर माइनस का फोर, और ए कौन है, ए का कोफिशिएंट चार, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो फोर अपॉन फोर ए कर देंगे एक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी कितना है यहाँ पे देखो, सी की वैल्यू वन अपॉन ए कितना है फोर, वन बाई फोर। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों जीरोज को जोड़े, वन बाई टू, वन बाई टू कितना होगा हमारा वन, तो वन आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में करें तो वन इंटू वन बाई टू, और वन बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जीरोज को, क्या वन बाई फोर आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही। तो हमने इस रिलेशनशिप से ये वाला हमने कंसेप्ट सीख लिया कि हम यहां से भी पता लगा सकते थे कि भैया दोनों जीरोज को जोड़ेंगे तो वन आएगा, मल्टीप्लाई करें वन बाई फोर आएगा आंसर, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ने पर वन आ रहा है तो वन सही है, मल्टीप्लाई करने वन बाई फोर तो वन बाई फोर सही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री माइनस का सेवन एक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को करने के लिए सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सही से जमा लेते हैं, सिक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस का थ्री बराबर जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने उसी टर्म्स में जमाया बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ठीक है। तो इसके फैक्टर करो, देखो सिक्स है यहाँ पे, सिक्स को मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो कितना आ जाएगा एटीन, एटीन को तोड़ना इस प्रकार, तो टू नाइन से एटीन कर सकते हैं क्या, हाँ, तो टू और नाइन, क्यों, क्योंकि यदि माइनस का सेवन कब आ सकता है, जब माइनस का नाइन रहे और प्लस का टू रहे, तो इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना माइनस का सेवन। तो देखो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स प्लस का टू एक्स, टूट गई, माइनस का थ्री बराबर जीरो, इन दोनों में से क्या आ सकता है, इसे तोड़ दिया। अब देखो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो थ्री, और देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, थ्री और एक्स कॉमन आ जाएगा, तो थ्री का डिवाइड करेंगे सिक्स में टू टाइम्स, और एक्स एक्स कट गया तो एक एक्स रह जाए, माइनस थ्री थ्री जाए नाइन, तो टू एक्स माइनस थ्री, इसमें से क्या आ जाएगा, प्लस का वन कॉमन ले लेंगे तो टू एक्स माइनस का थ्री बराबर जीरो। नेक्स्ट देखो एक फैक्टर हो जाएगा बेटा टू एक्स माइनस का थ्री, और दूसरा फैक्टर कौन सा हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस का वन बराबर में जीरो। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए, ऐसा करते हैं एक फैक्टर ले लेते हैं टू एक्स माइनस का थ्री बराबर में जीरो, और इसके बाद टू एक्स बराबर कितना रह जाएगा थ्री, तो एक्स बराबर कितना रह जाएगा थ्री बाई टू, इधर देखें तो थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो थ्री एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस का वन, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का वन अपॉन थ्री। अब वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, तो वेरीफाई रिलेशनशिप देखिए, वेरीफाई रिलेशनशिप में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब देखो यहां पर बी पहचानो क्या है, देखो इक्वेशन लिखो फिर से, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स माइनस का थ्री बराबर जीरो, और इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो, तो ए कितना आ गया सिक्स, बी कितना आ गया माइनस का सेवन, सी बराबर कितना आ गया थ्री, सही है। आगे देखो तो पहला तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी कितना बेटा माइनस सेवन, और ऑलरेडी माइनस सेवन तो माइनस, और माइनस का सेवन अपॉन ए कितना है सिक्स, तो कट जाएगा सेवन अपॉन सिक्स। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा अपना सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे थ्री, और ए की वैल्यू कितनी है सिक्स, तो वन बाई टू, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। अब ये आंसर देख लेते हैं, ये सही है कि ये दोनों जीरोज, देखो थ्री बाई टू और प्लस के इसको जोड़ेंगे इसके साथ में तो कितना आ जाएगा सेवन बाई सिक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, थ्री से थ्री कट जाएगा वन बाई टू, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के वन बाई टू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि हमारा माइनस का वन बाई टू नहीं आ रहा। देखो इसमें ऐसे है कि c की जगह जो 3 है ना, 3 की जगह माइनस का 3 है, कंपेयर देखो तो बेटे यहाँ पर माइनस का 3 आएगा तो माइनस का 1 बाई टू। अब देखो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो माइनस का 1 बाई टू आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4u स्क्वायर प्लस का 8u बराबर में क्या हो गया बेटा जीरो, इसमें से 4u कॉमन ले सकते हैं तो u प्लस टू रह जाएगा, कैसे देखो एक बार, फोर दोनों में सेम आ रहा कॉमन, आराम ले लिया, यू भी दोनों में आ रहा है यू कॉमन ले लिया, तो फोर से तो फोर कट गया, यू को डिवाइड करेंगे एक यू बचेगा, फोर का फोर टू जो एट, और यू से यू कट गया, तो एक तो अपने क्या होगी वैल्यू, एक तो फोर यू बराबर जीरो, तो यू बराबर कितनी आएगी बेटा वैल्यू जीरो,
दूसरी u प्लस टू बराबर क्या है, जीरो, तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का टू। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए u के फॉर्म में, एक तो u बराबर जीरो, u बराबर माइनस टू, ये दोनों क्या है, जीरोस है। अब यहां पर वेरीफाई करें रिलेशनशिप, वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। तो पहले तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इसको रख देते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर जीरो। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 8, और c कुछ नहीं है तो c को क्या मान लेंगे, जीरो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी वाई ए, तो b कितना है 8, तो माइनस का 8 अपॉन a कितना है 4, तो कितनी बार कट जाएगा, माइनस का 2। उसी प्रकार अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में सी वाई ए, सी कितना है 0, a कितना है 4, डिवाइड करेंगे तो 0। तो एक का आंसर आ गया ये और एक का। अब हम चेक करते हैं क्या दोनों को जोड़ने पर सम ऑफ जीरो, ये दोनों जीरो जी, इनको सम करें तो 0 और माइनस टू का सम क्या आएगा, माइनस टू, बिल्कुल सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 0 आएगा, तो इनका वास्तविक प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है, 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस के 15, इसको आंसर में करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो t प्लस के रूट 15 और t माइनस के रूट 15। अब आप सोचोगे सर कैसे किया ये, देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी और a माइनस बी, मैंने सिर्फ उसी फॉर्म में रखा है इसको, तो रूट फॉर्म बना दिया इसका आराम से। तो यहां से t प्लस रूट 15 कितने के बराबर है, 0 के बराबर, तो t बराबर कितना आ गया, माइनस के रूट 15। दूसरा t माइनस के रूट 15 बराबर क्या है, 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के रूट 15। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसकी वेरीफाई कर लो रिलेशनशिप, अब देखिए वेरीफाई रिलेशनशिप करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्योंकि ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी से करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं t स्क्वायर माइनस के 15। अब देखो एक से करेंगे तो a की क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b मतलब x का कोएफिशिएंट भी, तो यहाँ पर कोई t का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा, तो क्या b कौन हो जाएगा, 0, जबकि c की जगह कौन सा आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म, तो कितना बेटा, माइनस के 15। क्यों आया माइनस 15, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो c ही है ये, है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए, तो बेटा ये तो बी की वैल्यू तो 0, ए कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, 0। जबकि अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी अपॉन ए होता है, तो सी कितना है, माइनस का 15, और ए कितना है हमारा 1, माइनस के 15। अब देखो कैसे चेक कर लेते हैं सही है क्या, क्या इन दोनों को जोड़े रूट 15, सॉरी माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15, दोनों को जोड़ेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए 0 आ गया सम ऑफ जीरो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 15 इंटू रूट 15 कितना आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 15 और माइनस के 15, बिल्कुल सही आंसर हमारा, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को इधर गुणा कर दो, सिर्फ शो नहीं करना, आपको दिखाना नहीं बोर्ड की कॉपियों में, आपको सिर्फ नॉर्मली इसको बाहर से गुणा करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 4 12 को इस प्रकार तोड़ो कि आपके पास माइनस वन आए, तो कैसे तोड़ सकते हैं, 6 2 12, तो 6 में से देखो 6 और 2 ले बेटा अपन थोड़ी देर, तो 6 2 12 आ तो गया, 6 में से 2 घटाएं 4 नहीं आ रहा, 6 में 2 और जोड़े 8 तो भी नहीं आता, ये कैंसिल आउट हो गया, हटाओ इसको। इसके अलावा और 12 को 4 3 12, हाँ सही है 4 और 3, तो माइनस का 1 कब आएगा, जब माइनस का 4 हो प्लस का 1 हो, तो आ गया बस। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, सिर्फ अपन को इसको तोड़ना होता है। और सबसे एक बात और बता दूं, आप इनको आगे पीछे भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं आएगा आंसर। कोई सोचे कि सर हम माइनस 4x पहले ले लेते प्लस 3x बाद में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस कॉमन का ध्यान रखना कि कॉमन क्या आ रहा है। देखो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब किसका भाग लगा सकते हैं जो सेम सेम है, और इनमें से क्या सेम सेम है बेटा, 1x, तो 3x बाहर लेंगे, तो 3 का 3 का डिवाइड किया कट गया, केवल x का देंगे तो 1x बचेगा, ये पूरा का पूरा कॉमन आएगा तो प्लस 1। इन दोनों में से क्या ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन, तो 4x प्लस के सॉरी माइनस के 4 ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, क्योंकि 4 भी तो कॉमन आ रहा है दोनों तरफ और माइनस आ रहा है, तो माइनस 4 ले लिया, तो क्या रह गया, x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 दोनों का सेम आ गया और एक आ गया 3x माइनस के 4।
बराबर जीरो। तो थोड़ी देर यहाँ पे देखिए अपन, x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का वन, और इधर थ्री एक्स माइनस के फोर बराबर जीरो, तो थ्री एक्स बराबर कितना आ जाएगा फोर, और x बराबर कितना आ जाएगा फोर अपॉन थ्री। तो ये दोनों जीरोज आ गए x की फॉर्म में। अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप, ठीक है। तो वेरीफाई रिलेशनशिप कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। फिर से कोई कंसेप्ट कि सर इसको पहले कंपेयर करो, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो, और ये एक्चुअल में इक्वेशन क्या है इसकी देखो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का फोर बराबर जीरो। तो देखो बेटा ए का कोफिशियंट कौन दिख रहा है थ्री, बी का कोफिशियंट ओनली माइनस का वन है, सी बराबर माइनस के फोर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बी की जगह माइनस वन है और माइनस ऑलरेडी, तो माइनस वन ब्रैकेट लगा लेना, ए कितना है थ्री, तो माइनस से माइनस कट गया वन बाई थ्री। और दूसरा है अपना अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है फॉर्मूला सी बाई ए, तो सी बाई ए सी की वैल्यू माइनस फोर और ए कितना है थ्री। तो ये दोनों आंसर है, अपन एक बार चेक कर लेते क्या इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो वन बाई थ्री आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वन माइनस वन को और फोर बाई थ्री को, दोनों जीरोस को, तो माइनस फोर अपॉन थ्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं वेरीफाई रिलेशनशिप। तो ये भी पार्ट लिखना होगा आपको इसके नीचे, फिर ये कर देना सॉल्व, ठीक है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल With given sum of zeros and product of zeros respectively। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वन बाई फोर कॉमा माइनस वन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अब की बार आपको क्या दे रखा है सम ऑफ जीरो दे रखा है रेस्पेक्टिवली, मतलब आगे वाला ये आ रहा है तो ये आगे वाला सम ऑफ जीरो कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाद में आ रहा है तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाद में माइनस वन को कहलाए। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज गिवन है आपको, सम ऑफ जीरोज कितना देखिए, सम ऑफ जीरोज आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है किसके बराबर है वन बाई फोर, और वन बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है अल्फा प्लस बीटा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस वन, और माइनस वन किसके बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अभी हमने फॉर्मूला पढ़े, क्या दोनों जगह ए की वैल्यू सेम आ रही है क्या, यहाँ ए चार है यहाँ पर ए कुछ भी नहीं है, तो वन माने तो वन है एक तरीके से, क्या दोनों सेम आएंगी फिर ए नहीं आ सकते। फिर अपन फॉर्मूले में कैसे रखेंगे ए की वैल्यू, कैसे कह सकते हैं भाई सम ऑफ जीरो में तो ए की वैल्यू अलग है प्रोडक्ट ऑफ जीरो में ए की वैल्यू चेंज है, इससे अच्छा है कि आप इसको ऊपर नीचे चार से मल्टीप्लाई कर दो। चार से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर नीचे से तो कितना आ जाएगा माइनस के फोर अपॉन फोर, और अब किसके बराबर है अब भी है सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू देखें तो ए बराबर कितना आ गया फोर, b बराबर कितना माइनस वन, क्योंकि ये माइनस वन देखो ये माइनस बी इधर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अपन को ओनली b की वैल्यू चाहिए तो माइनस वन, और c बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस के फोर। तो कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होती है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो, ए कितना है फोर एक्स स्क्वायर, बी की जगह माइनस वन तो माइनस एक्स, सी की जगह माइनस फोर बराबर जीरो। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करना, जो दे रखा है उसको अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो के इसके इक्वल कर दो, जो इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू सी बाई ए होती है सी बाई ए के बराबर कर दो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो ए की वैल्यू फोर आ रही है या फिर ए की वैल्यू जो यहाँ पर है वही यहाँ पर ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे। यदि यहाँ पर ए की वैल्यू अलग रही तो फिर यहाँ पर कौन सी वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे, इसलिए ए को जरूरी है कि हमको वैल्यू सेम रखनी है, ठीक है। रूट टू कॉमा वन बाई थ्री, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है रूट टू, और रूट टू ही किसके बराबर है माइनस के बी अपॉन ए,
पूछ रही है ये, तो वन मान लो थोड़ी देर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी अपॉन ए, या फिर ऐसा करो पहले तो वैल्यू लिखो अल्फा इंटू बीटा की 1/3, और 1/3 किसके बराबर, सी अपॉन ए। देखो फिर से कोई प्रॉब्लम कि सर यहाँ पर एक ही वैल्यू 3 है और यहाँ पर एक ही वैल्यू 1 है, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ी देर इसको मिटा के यू लिख देते हैं कि 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा 3√2/3 जो किसके बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए, सिंपल। अब देखो एक ही वैल्यू 3, एक ही वैल्यू 3, तो यहाँ पर हम लिखें वापस ए बराबर 3, बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 3√2, और सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें पुट कर दो एक ही वैल्यू 3x स्क्वायर, b कितना है माइनस के 3√2, और x c की वैल्यू 1, तो प्लस का 1 बराबर 0। ये इस प्रकार से निकल गया। थर्ड क्वेश्चन आता है 0.5, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, इसको ही बोलते हैं, जो कितना दे रखा है सबसे पहले 0, इसके बराबर होगा माइनस के बी वाई ए। अब ए कुछ भी नहीं है, 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 बराबर सी वाई ए, ए के नीचे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू दोनों में ऑटोमेटिक सेम आ गई, जरूरत नहीं चेंज करने। अब बी कुछ भी हो सी कुछ भी हो, क्यों, क्योंकि बी ए की, इसमें भी एक सी है, सिर्फ ए में रहता है प्रॉब्लम थोड़ा देखने का, तो ए की वैल्यू को देखना पड़ेगा बस। तो ए बराबर तो हमारा कितना आ गया 1, बी बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि बी के सामने क्या बेटा 0, सी के सामने क्या है √5। सिंपल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 1x स्क्वायर प्लस बी कितना है 0 है इंटू एक्स प्लस सी कितना है √5। तो इसे इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस √5 बराबर 0, इस तरीके, समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है 1.1, फोर्थ क्वेश्चन है 1.1, इसमें आंसर देखो, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ अब, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा सम ऑफ जीरोस कितना है 1 दे रखा है, तो वो किसके बराबर माइनस के बी वाई ए, तो मैं यहाँ पर 1 मान सकता हूँ, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा ये क्या है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कितना है 1 है ये भी, और किसके बराबर सी वाई ए के बराबर, तो इसके नीचे क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू सेम आ रही है कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस के 1, क्योंकि ये माइनस लगा रहता है ना इसलिए माइनस है, यदि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता कट जाता माइनस, और सी बराबर कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए की जगह कितना आ जाएगा 1x स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा माइनस के 1x प्लस सी की जगह प्लस 1 बराबर 0, 1 को x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से आप फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस का 1/4, 1/4 आंसर करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है माइनस के 1/4, तो किसके बराबर है माइनस के बी वाई ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर है 1/4, क्या वैल्यू है सी वाई ए के इक्वल होता है। आगे देखो ए बराबर 4, ए बराबर 4, बस ये देखना होता है ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है, तो ए बराबर 4 हो गया हमारा, बी बराबर 2, देखो दोनों माइनस माइनस करके तो अब बी की वैल्यू क्या जाएगी प्लस 1, और सी कितना है 1, तो इक्वेशन लगाओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए कितना है 4x स्क्वायर, ए बी कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 4.1, आंसर देखेंगे इसका, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना है 4 जो किसके इक्वल है माइनस के बी वाई ए के इक्वल, अब ए कुछ भी नहीं है तो ए 1 मान सकते हैं। इधर अल्फा इंटू बीटा जो किसके बराबर है 1 के बराबर, जो जिसकी वैल्यू किसके बराबर आती है सी वाई ए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन ए की जगह क्या मान सकते हैं 1। देखो ए दोनों में सेम है, बात खत्म, ए बराबर 1, इसका कोई माइनस नहीं है तो ये ऑटोमेटिक में माइनस आ जाएगा, तो बी बराबर कितना आ गया माइनस के 4, सी बराबर कितना आ जाएगा 1, तो
एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, ए की जगह कितना आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, बी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 4 इंटू एक्स, सी की जगह कितना आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 4 को माइनस 4 को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो इस प्रकार अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो ठीक है बच्चों और मेरे दोस्तों, आज हमने 2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। फिर भी यदि किसी को डाउट हो या फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, मेरे आंसर में या मेरे शॉर्ट तरीके कराने में, तो आप प्लीज मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।